समझते हैं, एक एक बात का हमने ब्यौरा दिया, आपकी सारी दिक्कत हमने दूर करनी है आने वाले वक्त। साथियों, बिजली की बात, इतने इतने बिल आ जाते हैं, गरीब आदमी के लिए मुश्किल है और आम आदमी के लिए भी मुश्किल है। तो साथियों, घरेलू बिजली जो बिल आपके लिए आता है, उसमें मैं आपको कहती हूं कि 300 यूनिट तक की बिजली की खपत घरेलू हम फ्री करेंगे। समय बदल गया है। गरीब को भी कूलर लगाने का हक होना चाहिए, गरीब भी कूलर की ठंडी हवा ले, इसलिए 300 यूनिट हम फ्री करेंगे। और साथ में जो 300 यूनिट से ज्यादा उसके भी हजारों के बिल आ जाते हैं, वो भी हम आधा कर देंगे। आधा बिल बिजली पूरी मिलेगी। साथियों, मेरी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, बहनों के लिए बहुत कुछ है। हम चाहते हैं कि बहनों को बराबरी का हिस्सा मिले, पंचायती राज में, शहरी निकायों में 50% आरक्षण हम बहनों का करेंगे। आपको भी इधर उधर जाना पड़ता है तो आप बसों में, हरियाणा रोडवेज की बसों में आपका फ्री आना जाना होगा, कोई टिकट नहीं होगा। हमारी जो गर्भवती बहने महिलाएं, उनको तीसरे महीने से हम 3500 रुपया देंगे। आखिर 3500 रुपया हर महीना, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो 5 साल तक उस बच्चे का अच्छा सही पालन पोषण हो सके, उसके लिए हम 5000 रुपया देंगे। यहाँ पर बहुत से बुजुर्ग हैं, जहां भी मैं जाती हूँ मैं पूछती हूँ पेंशन आ रही है कि नहीं, वो कहते हैं जी कभी आती है कभी नहीं आती, कहीं कई महीने नहीं आती। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 2000 करेंगे, 5 साल लगा दिए 2000 तक लाने में, और वो भी टाइम से नहीं। तो साथियों, ऐसा नहीं, ऐसा जुर्म नहीं बोल हमारे बुजुर्गों के साथ। हाँ, कईयों का तो घर का खर्चा चलता है भाई, बुजुर्गों का, तो वो देखते हुए हम बुजुर्गों को 5100 रुपया। और मेरी बहनें जो हैं, बहनों की पेंशन हम 55 साल से ही शुरू करें, 55 साल से शुरू करें। और बहुत सी बातें हैं हमारी बहनों के लिए, हमारी लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं आजकल, आगे इनको भी नौकरी चाहिए, क्यों नहीं करें नौकरी, तो इनको नौकरी चाहिए, इनकी नौकरी के लिए हम विशेष प्रावधान करेंगे कि 33% आरक्षण नौकरियों में लड़कियों के लिए होंगे। साथियों, युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है, हम सुनिश्चित करेंगे, जो ये कहते हैं ना आज के दिन हमने सब कर दिया, उनको ये बता दो कि आज के दिन हरियाणा नंबर वन है बेरोजगारी में। आज के दिन पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 28% हरियाणा में है। कुछ नौकरियों के लिए 15 लाख बच्चे 200-250 किलोमीटर दूर गए थे, ये 15 लाख बेरोजगार ने थे तो क्या थे, मुख्यमंत्री जी को दिखता नहीं है ये। तो साथियों, हमारी सरकार बनेगी, हमारे नौजवानों को पढ़ लिख जाते हैं तो भाई माँ बाप को भी शर्म आती है, बच्चों को भी शर्म आती है कि भाई अब क्या करें। तो हम हर घर में उनके योग्यता के अनुसार, ये नहीं है कि ग्रुप डी में एम टेक सारे भर दो, उनके योग्यता के अनुसार हर घर में एक नौकरी सुनिश्चित करें। और जब तक नौकरी नहीं मिलती, तब तक जो ग्रेजुएट हैं उनको 7000 महीना भत्ता हम देंगे, और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको 10000 रुपया भत्ता देंगे हम हर महीना, ताकि ना बच्चों को शर्म आए ना माँ बाप को बोझ लगे, सबका मान सम्मान हमने करना है। तो साथियों, इसी तरह से बहुत कुछ है, हमारे दलित पिछड़े वर्ग के भाई हैं, इन्होंने तो अपना स्टेट का जो एससी कमीशन था वो ही खत्म कर दिया था, बनाया ही 5 साल, उसको हम दोबारा से बनाएंगे। हमारे दलित बच्चे हैं उनको हम पहली से 10वीं तक
12,000 रुपया प्रति वर्ष उनको हम वजीफा देंगे। इनकी तरह नहीं कि इनके वजीफे ही खा जाओ गरीब बच्चों के। और 11वीं और 12वीं में हम सबको 15,000 रुपया देंगे वजीफा। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं। हमारे तरफ सफाई कर्मचारी भाई हैं, कई पढ़ लिख जाते हैं तो उनको भी हमने उचित, बेशक सफाई कर्मचारी लेकिन उनको पदोन्नति होनी चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, उसका भी हम ध्यान रखेंगे। और भाई मकानों की बात, हमने प्लॉट दिए थे, 5 साल में बीपीएल कार्ड तक नहीं बने, प्लॉट देना तो दूर की बात थी। हमारा समय आएगा हम फिर से प्लॉट भी देंगे और मकान बनाने के लिए गरीबों को मकान बनाने के लिए हम 1.5 लाख रुपया देंगे और मरम्मत के लिए 50,000 रुपया देंगे। और बहुत सी बातें हैं साथियों, हमें सबका ध्यान रखना है, सभी गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, हर तरह से। आज के दिन अपराध इतना बढ़ गया है, उसको हमने ठीक करना है। तो सबका हम ध्यान रखते हुए हम सभी गरीबों को चावल और गेहूं 2 रुपया किलो देंगे सभी गरीबों। और साथियों, अच्छा बातें जैसा मैंने कहा बहुत हैं, लेकिन किताब बड़ी अच्छी तरह से बनाई है, हमने बहुत कुछ किया है इसमें, लेकिन अब सबके पास ये किताब पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और अखबार में मीडिया में सारी बातें आती नहीं। तो मेरा सिर्फ आखिर में एक गुजारिश है आपसे कि जिसके पास मोबाइल फोन है वो अपने फोन निकाल लो, एक बार एक नंबर बताऊंगी। नंबर नोट करोगे जी? 93 55 333 0 11। दोबारा बोलती हूँ मैं, 93 55 333 0 11। ये आप डायल करोगे तो मैंने तो शायद 1% बातें आपको बताई हैं, बाकी सारी की सारी ये पहली बार देश में हुआ है। और हमने हरियाणा कांग्रेस ने पहली बार देश में ये करके दिखाया है। आप कोई भी नागरिक हमारे नंबर पे फोन करें और वो जानकारी ले लें कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आपको क्या क्या देंगे, आप सभी फोन करके पता चल जाएगा, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, सबके बारे में। तो साथियों, अंत में एक ही बात कहना चाहूंगी कि हम बहुत पवित्र स्थान पर खड़े हैं, ये रामलीला ग्राउंड है, पवित्र स्थान है। आज मैं आप सब से आग्रह करने आई हूं, बतौर कांग्रेस अध्यक्ष आपसे आग्रह करने आई कि 36 बिरादरी सभी मिलकर भाई राम किशन फौजी का साथ हो, सबका धर्म बनता है। ऐसा आदमी जो दिन रात ना दिन देखता है ना रात देखता है, कई बार तो इसको पकड़ना ही मुश्किल हो जाता है, कहां है जी, बस लोगों के बीच में घुसे हुए हैं, फील्ड में निकले हुए हैं। तो साथियों, इनका विशेष ध्यान रखना है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, इनको और जिता के भेजो, सरकार कांग्रेस की बनेगी फिर आप देखना कि इनका क्या दर्जा इनको मिलेगा। और हमारे भवानी खेड़ा को इतनी बढ़िया सौगात मिलेगी, ये आप देख लेना। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। इतनी भारी चुनाव में रैली हुई, ये साबित हो गया भाई सारे, कल 2 बजे रैली झंडा में सारे